Hello, hi, GS1 students. It's me, Vikram Kumar, from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, these students found mathematics, samjhna chuka, continue hai. The ajje ko mathematics samjhna si, ajji class mein, o exercise 4.2 jo, question number 6 samjhko. Chahiye? The question number 6 samjhbo, samjhan la, ready aayo? रेडी ना आया तो रेडी थी वियो मींस कॉपी एंड पेन पास कर रखो तो जी आशे नोट करा एंड रिलैक्स थी करे फुली कंसंट्रेशन सा समझो समझने की कोशिश कियो तो जी आशे समझी सको ठीक है स्टूडेंट्स रेडी आयो आज तो पान दिसुंदा समझुदा क्वेश्चन में छा तो दे एंड छा पूछे ठीक सो So if A belongs to R positive, means A is a real positive number and A minus A comma A, just a general condition. Function from A to real number, A means any set of real numbers, is a function given by a function f of u is equal to square root A plus u divided by square root of A minus u. The function f of u is a variable. For all, u belongs to A, u chai and u hai, A set some blocks kare to. And v is equal to f of u chai to, and f of u ya hume function b, v khan. Chik, find chakra mein dv by du, mana f of u ke paana v bukhani sa kunda. Mana v derivative u j sa kha kari hai. And o derivative karan khan po f dash, 1 upon 2 a, u j gare lakhna. I got so much me, clear hai. ठीक है आज इसका सिंपलीफाई करो बच्चों पूछे तो सॉल्यूशन पहले पार्ट की डेरिवेटिव करनी है तो सो पार्ट वी हैव v इज इक्वल टू f ऑफ u इक्वल टू a प्लस u स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय a माइनस u स्क्वायर रूट ही मिल रहा है पार्ट ठीक डेरिवेटिव करनी है डेरिवेटिव बना सा विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल करो विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल यू के हिसाब से सो दिसो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू यू के हिसाब से कबो आर बोथ साइड वी गेट ठीक गौर से समझो कंसंट्रेशन से तो समझ में दो स्क्वायर रूट ऑफ माइंड तो लेंथ जरूर थिंदो एंड सो डी बाय डी यू v equal to d by du f of u चो गार सकी है बई इन्हें जी कर लिखा हम चो बई इधर u सर तो dv by du थे जो वो f dash भी थे तो लेकर बई लिखा हम ठीक है खंडा से बात नहीं करो so z equals to d by du a plus u ट्रमेची हूँ square root में divided by a minus u चो square root में सही है जस्ट डेरिवेटिव लिखिए एंड सो dv बाय du सेम बाय इन फंक्शन के सिंपली f डैश ऑफ u चाहिए सब होता गा सकी है ठीक है इक्वल टू हां ये डेरिवेटिव करनी है जब नहीं वो फंक्शंस डिवाइड ठंडा पार्ट में अलग अलग डेरिवेटिव बना सके की डेरिवेटिव बना सके देखो द फार्मूला साइड का हवाला दिया दो और ये सब डेरिवेटिव कर दी एंड सो फार्मूला जो हवाला दिया दो d बाय dx u by v and so formula ka u by v par par te already part u and v variable lago pyo hai ta te han nalo change karna pavdo nalo change karna pavdo ka sanni basi kuch bhi nalo likh sakna theek hai pehle dafa nalo koi bhi assign kar sakta nalo je sab sath sam kabo and so nalo je sab sam kabo a by v a upon b likho function divide mein the formula mein chahte b के साइन रखना है a की डेरिवेटिव माइनस a साइन रखना है b की डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय b स्क्वायर आई गॉट समझ में तो v एंड u ऑलरेडी फार्मूला पढ़े पे पर v एंड u ते कौन लिखो है फार्मूला मैंने जे करे इते v एंड u ऑलरेडी टर्म्स मौजूद आए नालो b एंड a लिख ठीक है एंड सो पॉइंट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जे टर्म जी करनी है वो फ्रैक्शन में टर्म आए तो है पॉइंट फार्मूला में जे सब सन टर्म्स के असाइन करना से त जी इजीली पॉइंट समझी सको है ए जो मतलब फ्रैक्शनल टर्म जो न्यूमरेटर तो फ्रैक्शनल टर्म जो न्यूमरेटर a प्लस u स्क्वायर रूट में एंड b जो मतलब जो डिनोमिनेटर आए वो डिनोमिनेटर a माइनस u स्क्वायर रूट में जी
ठीक ट्रबल साइन था हाने फार्मूला जैसा था लिखना से और फार्मूला जैसा था लिखना से देखो की कह दो फार्मूला कह दो तो पहले ए बी साइन बाय वाई माने बी इस इक्वल टू ए माइनस यू साइन लिखो ए माइनस यू स्क्वायर रूट में साइन बच यू पॉइंट्स अगर मल्टीपल थे तो ए पर ये बता डैश आए मतलब डेरिवेटिव करनी आए विद रिस्पेक्ट टू यू के हिसाब से कैजी ए जी माना ए प्लस यू स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है इसका इक्विवेलेंट 1 अपॉन 2 पावर देखो इसका इक्विवेलेंट 1 अपॉन 2 पावर लिखो है अजय भी गलत समझ में सही है इसका लिखो या पावर में 1 अपॉन 2 लिखो 1 अपॉन 2 पावर में या इसका गलत सही है पावर में जो लिखो चाहे कि डेरिवेटिव करना सकता है इसका इक्विवेलेंट लिख लो तरह समझ में एंड देन माइनस माइनस का वो ए सेम है ए माना ही इसका रूट में a plus u जो है सेम आए तो इनसा का b जो बता डैश आए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u सा b g माने ये a minus u स्क्वायर रूट में आए माने 1 upon 2 पावर में आयो इसको जो इक्विवेलेंट जेते लिखे सेम है जो है अजय भी गलत समझ क्लियर है गौर से समझो स्टेप बाय स्टेप टेन छापो लिखे जे छापो सही है एंड बाकी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर b जो स्क्वायर डिवाइड लिखना से अजय वो जियो b स्क्वायर b मींस डिनोमिनेटर का जो ही पर स्क्वायर रूट में a माइनस u स्क्वायर रूट में b की वैल्यू इन जो होल स्क्वायर थियो ठीक है आई गॉट समझ में सिंपल फार्मूला जैसा फिर टर्म्स लिखे हैं नथिंग एल्स यो कुछ भी नहीं हाने समझो डेविड की थे गौर से समझ जो दिसो जिकस को पहले टर्म a माइनस u स्क्वायर रूट में सेम आया जियो मल्टीप्लाई साइन है डेरिवेटिव करनी है a प्लस u जी जतन जे मथा होल पावर 1 अपॉन 2 सजे टर्म जे मथा पावर है तो पहले डेरिवेटिव रूल आए पावर के जीओ चलो पो एन पावर जे टर्म जे मथा है एन पावर माइनस कबो चलो वो लिख जीओ a प्लस u जे मथा 1 अपॉन 2 पावर पावर माइनस पो जे जे मथा पावर आए उन जी डेरिवेटिव कभी माने a प्लस u जी डेरिवेटिव माने इससे पावर क्या है वो पावर जी जे मथा है जे पावर है माइनस वो पावर a प्लस u जे मथा है तो a प्लस u जी डेरिवेटिव हाने ठीक है जब मजारे के बाहर हो जिन कमरो हुंदो है अंदर वजन होता है जाहिर सी के मैं दरवाजो खोले को अंदर विदास तो ये तो सागर भी पाना है पावर पहला है तो पावर लें तो तभी पाना अंदर विदास ठीक है एंड देन माइनस a प्लस u सेम आए ठीक सागी कहानी a माइनस u होल पावर 1 अपॉन 2 डायरेक्ट थे भी पहले पावर आ गया था नीचे पो a माइनस u होल पावर 1 अपॉन 2 पावर 1 माइनस थियो पने खा पो पावर जे जे मथा आए उन जी डेरिवेटिव कभी आएगा समझ में एग्जैक्ट ये स्टेप है माइनस मिस साइन चेंज है क्लियर है अजय भी कर समझ ठीक डिवाइडेड बाय होल अपॉन में a माइनस u जो मतलब स्क्वायर रूट है वरी होल स्क्वायर भी आए तो स्क्वायर रूट कैंसिल थिंदो स्क्वायर जे करे तो a माइनस u आ जाता ठीक है स्टूडेंट्स आई गॉट समझ में आता है ठीक है सो ऑन दिस ओपन इनसाइड टर्म मूव थ्रू ना dv बाय du ठीक dv बाय du फंक्शन के खाना दो एंड इज इक्वल टू 1 a माइनस u मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 सो a माइनस u मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मींस अपॉन में 2 ठीक ना तुम लिखो और a प्लस u जो मतलब पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 थे तो फ्रैक्शनल टर्म है a माइनस u डिवाइडेड बाय 2 a प्लस u जो मतलब होल पावर फ्रैक्शन में आए 1 अपॉन 2 माइनस 1 आए फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में जब आए माइनस थे पे तो पान एलसीएम उठना से जी एलसीएम उठना डिनोमिनेटर 2 बे या पावर को जाए कौन माने डिनोमिनेटर में 1 आए शो पे तो एलसीएम डिनोमिनेटर जी थी दिया तो 2 एंड 1 की एलसीएम थी दी 2 सो पहले टर्म जो वाला थियो एंड 1 के पान चाहे 2 सागो वही टू एलसीएम पे हुआ है ठीक डिनोमिनेटर जो 1 सेम रहे तो वो माइनस 1 चलो माइनस 1 अच्छे हाने हिंदा बस जे अपान में कुछ ही कोने कोई मान जे कोई था लिखे पेंट दसा शो कर तो
तहन वन जे अपन को जाहे को तो वैसे वन जो को नंबर है सागो इन सागो मल्टीप्लाई सब जी मल्टीप्लाई क्लियर है ठीक फो और डायरेक्ट इन द ब्रैकेट जे अंदर बचा मैं बेंच डायरेक्ट को भी चलो लिखता सकते अलग अलग डी अपॉन डी यू ए जी एंड देन प्लस डी बाय डी यू यू जी डेरिवेटिव ब्रैकेट की बात ए प्लस यू तो मेरी जी अलग अलग लिखी डायरेक्ट रेस्पेक्ट टू यू सम ठीक और माइनस इस पर उठो मल्टीप्लाई वन अपॉन टू वन से कितना से मल्टीप्लाई ए प्लस यू डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर रूट में टर्म आ है ठीक है एना भी स्क्वायर रूट में आ है गलती करे आया लिखियो ठीक समझियो अपॉन टू एंड देन ए माइनस यू मतलब पावर चलो a माइनस u जब आता पावर वन अपॉन टू माइनस वन सागी वही कहानी एलसी बचनी पड़ी एलसी ना डिनामेटर इतने जो डिनामेटर टू बे जो डिनामेटर को जाए को उन वन शो करो तो टू एंड वन जी एलसी सागी टू ठीक है साइन ऐसे क्यों उन मांग रही है पहले टर्म जो न्यूमेरेटर वन एन वन जी अपॉन में टू आए एलसी में भी टू पाए आए सागो नंबर आए वन सागो लिख पो वो माइनस दो नंबर जो न्यूमेरेटर वन आए तन वन जापान कुछ आए कौन तो ऐसे और टू मल्टीप्लाई लिखो इन वन जापान कुछ होए कौन ऐसे और जो टू आए सागो मल्टीप्लाई करो ठीक है अजय भी गार समझ में एलसीएम आए पढ़ना चुन पे आ हर प्रॉब्लम में तकरीबन अजय भी बेसिक आए ठीक है इनमें मुझे कहने तकलीफ न थे मुझे थे के भी और डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू सा ए माइनस यू ब्रैकेट नंबर टू मैंने दी अलग अलग डायरेक्टर भी तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू सा पहले टर्म ए माइनस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू सा मेरे टर्म आए यू ब्रैकेट की बात ठीक मतलब टर्म सा जो लिखियो डिवाइडेड बाय ए माइनस यू डिनोमिनेटर जो टर्म आए वो सेम अच्छी विंडो माने ए माइनस यू अच्छी सेम जी स्टूडेंट्स क्लियर है इस टाइम सही है हाने वरी दिसो की सिंपलीफाई ते तो सो इक्वल टू साइन and it a minus u square root divided by 2 semi multiply sign a plus u power में 1 minus 1 multiply 2 संकला से 1 2 2 divided by 2 semi bracket start हने derivative a g with respect to कैसा थे भी u सा derivative with respect to u सा थे भी a g a means the constant number real number आया डेरिवेटिव वरी भी गलत है यू जे सब सकल गया माने 0 थी वो है तो यू जी डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू यू सा बन थी ठीक है तो यू आए डेरिवेटिव यू जे सब सकल गया तो नहीं बन थी इते ए आए डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू यू सा दे भी नंबर अलग है खत्म डेरिवेटिव 0 माइनस अब यू टर्म ए प्लस यू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 ए माइनस यू होल पावर 1 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू साका वो टू डिवाइडेड बाय टू अचीव ठीक है गौर से समझो अजय भी गाल समझ में जस्ट सिंपलीफिकेशन है ध्यान से समझो तजी को प्लस माइनस जी मिस्टेक ना थी अनि मान का एंड सो अगेन डेरिवेटिव ए जी विद रिस्पेक्ट टू यू सा माने 0 यू जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सा थी 1 होल डिवाइडेड बाय अपॉन में ए माइनस यू सेम क्लियर है ठीक एंड सो सिंपलीफिकेशन दे दी एंड a माइनस u स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इनटू a प्लस u होल पावर 1 मा माइनस का वो 2 माइनस जो 1 अपॉन में 2 वरी नंबर जो निशान लिख भी माइनस थे तो मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मींस 1 तो 0 की कोई वैल्यू आने का माइनस a प्लस u स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए माइनस यू होल पावर 1 माइनस 2 मींस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस से तो निशान हमेशा बड़े नंबर के कारण भी लिखी ठीक मल्टीप्लाई करना से 0 माइनस 1 माइनस 1 0 जी कोई मायने का नहीं अच्छा जी ठीक है होल डिवाइडेड बाय सब जे नंबर के पार में 0 ए माइनस यू 7 क्लियर है ठीक है हां जी a minus u square root divided by 2 and he from it is equal to multiply the point of power negative by i
पावर नेगेटिव पियो आहे त सिंपलीफिकेशन में रूल आहे त जेकॾहिं कंहिं बि टर्म जे मथां पावर माइनस में आहे त हुन खे पॉजिटिव करणो पवंदो माना रेसिप्रोकल कबो अचो खणी हिन खे हेठि ए प्लस यू वन अपॉन टू थी वियो प्लस यू एंड देन माइनस मल्टीप्लाई बाय वन खां मल्टीप्लाई करण सां कोई फ़र्क़ु कोन पियो ही टर्म मल्टीप्लाई सॼो टई टर्म अचो थियनि पिया त ही माइनस निशानी खे पाण हिन माइनस निशानी सां कंदासीं मल्टीप्लाई त माइनस इंटू माइनस थींदो हुयो प्लस ठीक चौथे इतना मल्टीप्लाई में और वन मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क कौन पड़ेगा ना बल्कि ए प्लस यू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू और ही सब जो कुछ है वो मल्टीप्लाई पावर जो मतलब नेगेटिव हाँ पॉजिटिव करने को तो रेसिप्रोकल साइन में मांगा ही है तो हमने ए माइनस यू तो एन जो मतलब पावर वन डिवाइडेड बाय टू ठीक होल अपान में ए माइनस यू सेमन इस टाइम पॉइंट से डी वी बाय टू यू जे नाले से पॉइंट साफ करना छोड़ गया ठीक है हां देखो वेरी सिंपलीफाई कर हां सिंपलीफिकेशन है की सिंपलीफिकेशन है देखो ए माइनस यू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए प्लस यू होल पावर वन अपॉन टू होल पावर वन अपॉन टू माने स्क्वायर रूट जी साइन वापस लीजिए ठीक है केम नंबर बता पावर में 1 अपॉन 2 आए तो हम जगह इसको आप लिख सकते ठीक प्लस a प्लस u स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इतने पे a माइनस u पावर में छाए 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 माने इन जे मथा सा जे मथा इसको आप लिख दस ठीक होल डिवाइडेड बाय a माइनस u जो अचीव सही है अच्छी बात समझ में ठीक है गौर सा देखो समझो रे हैंड से मथे फ्रैक्शन में चमान भाई पाने प्लस सेंट पे आई फ्रैक्शन में प्लस सेंट पे चाका को एलसीएम अच्छी नहीं पड़ती एलसीएम जिला डिनोमिनेटर में इन्हें जा डिनोमिनेटर में इसना से पान डिनोमिनेटर में इसना से टू रेडिकल में ए प्लस यू टू रेडिकल में ए माइनस यू तब इन्हें में टू कॉमन है पर रेडिकल और टर्म डिफरेंट है ए प्लस यू ए माइनस यू माना डिफरेंट है तब टू जो कॉमन है टू साबो ही दो बाकी ए प्लस जो यू n2 a माइनस u स्क्वायर में सेम है ये सारे एलसीएम है भाई डिफरेंट है अगर जब नंबर्स हो जा रहा तब एलसीएम अठवा इतने नंबर्स ना है फैक्टर्स टाइप फ्रॉम माइन फैक्टर सेम रहे ठीक है सेम रहे था जी सर हाने मथे इन जन न्यूमरेटर्स में छा तो थे और जुगा सो पहले टर्म जो न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट में a माइनस u हाने ने जी अपन जो को नंबर 2 रेडिकल में a प्लस u यानी कि एलसीएम में जो को नंबर है उसका को डिवाइड a प्लस u a माइनस u से रेडी करने जो को टर्म आए इंसान डिवाइड को 2 स्क्वायर रूट में a प्लस u से आई देना जो को डिनोमिनेटर को लेके एलसीएम से डिवाइड करो तो 2 रेडिकल a प्लस u 2 रेडिकल a प्लस u से डिवाइड करो बाकी क्या बचो रेडिकल में a माइनस u को ले जो मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो जो को बच दो वो देन प्लस साइन लिखी अगेन टर्म जो न्यूमरेटर a प्लस u जी हो और है a प्लस u जो पाने छाए 2 रेडिकल a माइनस u यू कैसे डिवाइड करो एलसीएम से तो 2 रेडिकल a माइनस u कर सकते हो बाकी से देते बचो a प्लस u रेडिकल में ठीक है अज भी गल समझ भी कि एलसीएम थे भाई जो को बचो वो मल्टीप्लाई करो इन जे न्यूमरेटर सा अजी मल्टीप्लाई में होल डिवाइडेड बाय a माइनस u सेम है ही है जापान सेम ठीक है क्लियर है इस टाइम हां देखो वेरी सिंपलीफिकेशन की थे की देखो ना सो इक्वल टू ही जे के बाय बढ़ता है बैठा भाई ये सेम है अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई है तब मैंने के एकड़े इस फॉर्म में लिखूंगा पार्ट a माइनस u ठीक इकड़े स्क्वायर रूट में लिखी चले अलग अलग है एंड प्लस साइन हेलम साके तो एक साइन बच्चों में जुड़ा था भाई अलग अलग रूट में हेलम मैंने कि एकड़े रूट में लिखो था a प्लस u एंड a प्लस u कितने स्क्वायर रूट में चिया होल डिवाइडेड बाय टू ठीक अनेक अंक a प्लस u स्क्वायर रूट में चियो a माइनस u स्क्वायर रूट में आए तन जो होल पावर 1/2 लिखी छ जो लिखी सका तो स्क्वायर रूट जो इक्वल टू पावर 1/2
छो लिखो है अगेंस्ट में समझो हां सो मथे जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है छ माइनस सा एट ए माइनस यू डिवाइड थे पियो त ए माइनस यू जो डिवाइड में है ठाए त एन जी अपान में कुछ आ है को मान ले जे अपान में 1 आ है 54 लिखो चले करे जे न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तेन सा तुम जो डिवाइड थे को उन के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे रेसिप्रोकल करना से त फ्रैक्शन जे अपान में फ्रैक्शन कैंसिल थे त ही डिवाइड में मल्टीप्लाई में जो 1 अपान में ए माइनस यू सही है रेसिप्रोकल थियो सदी से एकड़ी फ्रैक्शन बची ठीक है इन्हें जगह पर मत है मुकलो है आई गल समझ में आता है ठीक है हाने देखो छा तो थे हाने इनसाइड का मूव थी जे तो dv / du अच्छे तो इक्वल टू एंड सो मैंने एकड़ी स्मॉल रूट में लिखा जो रीजन यो ही हो तो स्मॉल में कहे में नंबर जो जकने पेयर मौजूद है हमारे सागो नंबर ब दफा मौजूद है टेस्ट कर खत्म दो नंबर ए माइनस यू आजाद थियो प्लस एरम सा के तरीके सा स्पॉट अंदर पेयर मौजूद है ए प्लस यू आजाद थियो डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट में ए प्लस जो यू सेम आए ठीक हाने सो ए माइनस यू होल पावर 1 अपॉन 2 एन सा पियो नंबर मटेरियल थे जो डिनोमिनेटर में सागो ए माइनस यू सागो नंबर आए मल्टीप्लाई आए मल्टीप्लाई में सेम नंबर होता है तो पान छा करना है बेस जो एक दफो लिखी करे पावर पान में प्लस करदा से इन जे मथा पावर 1 / 2 इन जे मथा पावर आहे को ना है तो पावर माने छा हो तो पावर 1 हो तो 1 / 2 में 1 प्लस कर छे बेस है मान हाने गल समझ में आई त जो रेडिकल जी मां 1 / 2 छो लिखियो हो इन जे कर लिखियो इट डिवाइड में समझ को एग्जैक्ट नवांदर हो यो जने मथे आयो रेसिप्रोकल कयो त ही भई हाने मल्टीप्लाई में एंड त दफो लिखी करे बिना जब पावर पाने इजीली प्लस करे सको पान ठीक है क्लियर है हाने समझ में आयो स्टेप हाने देखो छा तो थे सो इक्वल्स टू ए ही भई प्लस जो ए में ए प्लस करना संद 2a ठीक एडिशन में कोएफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है u माइनस जो एंड u प्लस जो खत्म थियो ठीक डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 a प्लस जो u स्क्वायर रूट में सेम आए हाने a माइनस u जो मथा जो पावर आए फ्रैक्शन में प्लस 10 पैटर्न एलसीएम थी कोंदी सागी डिनोमिनेटर सी एलसीएम 1 जे डिनोमिनेटर में 2 पर हन 1 जे अपान में कुछ आहे कोन त 1 आहे शो कयो त जे एलसीएम में आसानी थी त डिनोमिनेटर 2 एंड 1 जे एलसीएम थी 2 एंड सो की पहला नंबर जो मान अच्छो एने नंबर जे पार में जो को नंबर आए 2 सागो बांड के एलसीएम में पयो आए होई त 1 से रहदो प्लस साइन अगेन टर्म जो न्यूमरेटर 1 एने नंबर जे पार में कुछ आ ही को तो एलसीएम जो को नंबर आए 2 सागो जे मथे न्यूमरेटर सा मल्टीप्लाई करो चल एने 1 जे पार में जो को 2 होयो वही एलसीएम आ है त मथे न्यूमरेटर से अगेन नंबर जे 1 जो को जे पार में कुछ होई को त एलसीएम और नंबर सागो जे 1 से मल्टीप्लाई करो क्लियर है ठीक है हां दिसो So, the equals to 2a divided by 2 square root में a plus u sem i bracket में a minus u whole power 1 plus 1 multiply जब u सा 1 multiply जब 2 सा 1 2 सा 2 divided by 2 sem i clear है हाँ जी तो वही छा है 2a divided by 2 square root में a plus u sem i a माइनस टू यू होल पावर 1 प्लस 2 करना से किंतु 3 डिवाइडेड बाय 2 सो dv बाय du माने गिवन फंक्शन g डेरिवेटिव पार्ट जब फाइनली अच्छी मिली आए सिंपलीफिकेशन का को ये तारे सामने हुआ और हमने के पान मजीद कुछ ना कर क्लियर है आई गल समझ में कंफ्यूज हो दो छो लेंथ जरूर थियो आए सिंपलीफिकेशन किया दुखो ना यानी के टिपिकल एनोखो प्रॉब्लम को चेको इनके सिंपलीफिकेशन थी आ वो गौर सा ताकि हर प्रॉब्लम चंदा समझो गौर सा देन प्रैक्टिस करो अगर न तो समझ में आ वरी सागो उता खा ता समझो जिता समझ ना आयो है त जी इजी ता समझ पर प्रैक्टिस इज मस्ट प्रैक्टिस करण से वशे समझ में दी वो स्टेप समझ में तो थ्योरी ना है जो खोले वे रटो नो रटो ना है समझनो आए देन प्रैक्टिस करनी है ठीक है
आई गाल समझ में त डेरिवेटिव जस्ट पान के मिली है प्रॉब्लम जा कंप्लीट कोन थियो है अजन जो नेक्स्ट पार्ट वो भी सॉल्व के उनमें छाए दिसुंदा ठीक है अच्छा गाउन के समझुदा सो जी स्टूडेंट्स आई सपोर्ट थोड़ो को इसकी मैं सामो सजी नजर अच्छे पियो इंजे करेगा के खबर पे पियो छा करो पहले ना पार्ट डेरिवेटिव यू जी का विद रिस्पेक्ट टू वी सके तो गाइस सामो मिलियो और एक हमको सा फाइंड करना है जो डेरिवेटिव मिली है फंक्शन जी उनमें वेरिएबल की जगह पे 1/2 a सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व करना है सही है आई गॉट समझ में तो माने हणे ते लिखा दो एना सामना क्यों नाउ वी फाइंड f डैश 1/2 a ठीक है जो डेरिवेटिव फाइंड थे अन फंक्शन माई फाइंड कहो एंड सो जो डेरिवेटिव थी है f डैश ऑफ u इक्वल टू dv upon du k f dash of u लिख ही सकूंगा गा सकी है तो सामू है तो f dash of u शामिल हुआ है अपन अंदर 2a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट में a प्लस u a माइनस u होल पावर 3 upon 2 ही डेरिवेटिव फाइंड करने वाली की है हां ओके कंटिन्यू करो ई शे फाइंड करना क्लियर है जे भी गा समझ में बस शे फाइंड करने की इच है जो फाइंड कैसे इंसानी शेक है f dash of u चेक सकूंगा हाँ f dash of 1 upon 2 a मालूम करना है मतलब ना u की वैल्यू छा है 1 upon 2 a क्लियर है ठीक है सो आने नेक्स्ट क्वेश्चन समझूंगा सो देखो गौर से समझने की कोशिश कर तो जरूर समझ में अच्छी दो सिंपलीफिकेशन आया ठीक है f dash of u जगह छा लिखो u जगह लिखो 1 upon 2 a ठीक हो इक्वल टू साइन हाने u की जगह पे 1/2 माने वैल्यू ऑफ u इज 1/2 तो u के रिप्लेस कराया मुझे वैल्यू सा एंड देन सिंपलीफाई करना तो a प्लस u जगह पे छा लिखो 1/2 a स्क्वायर रूट ठीक आगे भाई a माइनस u जगह पे 1/2 a होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 आई गॉट समझ में सिंपली u की जगह पे पांच खाली लिख रहे हैं 1 upon 2 ये कुछ भी ना है एवरीथिंग इज सेम हाने सिंपलीफाई कर दो गौर से समझो सिंपलीफिकेशन की थे पे अंडरस्टैंड में इते पाड़े को 2 2 में कैंसिल थे तो 2 2 में कैंसिल करो ना 2 2 में डिवाइड थी तो चले कैंसिल थी 2 2 में डिवाइड थी और कैंसिल कर देना चाहिए आई गॉट समझ में खत्म थियो तो टू लिखा नहीं जरूरत ना है बाकी a में प्लस थे तो 1/2 a फ्रैक्शन में चमाए a प्लस 1/2 आए फ्रैक्शन में चमाए प्लस करनो आए तो छा करना से एलसीएम बठी करे प्लस करना से सो एलसीएम मिला इन a के डिनोमिनेटर में कुछ आए कोन 1 हते डिनोमिनेटर में 2 पयो है एलसीएम का डिनोमिनेटर किसनो पंगो सागो तरीको है तो एलसीएम थी दी ना जी 1 एंड 2 जी 2 सो पैर a जी अपन में कुछ आए को कैसे और को साथ में मल्टीप्लाई करो प्लस 1 इनटू a माने जैसे a 1 के a से मल्टीप्लाई करना पड़ो a एंड a के अपन जो 2 sm है वो ही एलसीएम पे हुआ है तो मतलब a sm रह दो इनके मतलब स्क्वायर हो निशान हां बेटा हम साथ ही काट बन बार माइनस करना फ्रैक्शन में एलसीएम मल्टीप्लाई होती है ना a के अपन कुछ आए को तो बन सागो छमा है 1 इनटू d एलसीएम दे दी 2 a इनसा के 2 मल्टीप्लाई करो जो जापान को जाए को माइनस 1 मल्टीप्लाई ए में सागो ए इन जापान जो को नंबर आए एज इट वेल सेम पे आए ए समय तो सेम सागी के इशे है इते प्लस में होना माइनस एन जी मतलब पावर 3 अपॉन 2 चेंज आ द पावर जी आई यू स्टेप समझ में एल से भर दिया बेसिक आए समझ में जन घुर जे ठीक है हाने सो छा दो ए डिवाइडेड बाय 2a में प्लस करना से a जीरो 3a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट की निशानी ठीक सो वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट बता दो 2a में a में होते बच्चों a डिवाइडेड बाय 2 होल जे मतलब पावर 3 अपॉन 2 ठीक समझ सो इन नंबर के मथा स्क्वायर रूट की निशानी के जे करे इक्विवेलेंट लिख जे पावर 1 अपॉन 2 लिख सको ना 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर जगह 1 अपॉन 2 लिख चले क्लियर है इसमें सही है अरे सो भाई छोड़ दो सो z इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय हाने होल पावर 1/2 हर जगह टर्म पे है
3/2 कांस्टेंट नंबर जो है इन के मथा 1/2 अलग था कयो इनटू ए के मथा पावर 1/2 अलग था कयो वेरिएबल के अलग कर छियो 3/2 कांस्टेंट नंबर के अलग कर छियो पावर के लिए अलग रख देनो क्लियर है ये स्टेप सही है एंड सो a/2 आगे हम इसी तरीके से a के मथा पावर 3/2 अलग था कयो डिवाइडेड बाय अपन चाहते हो 2 द 2 के मथा पावर 3/2 अलग था कयो सही है ठीक तक वेरिएबल लग टूटे अलग थे तब आंसर से ए डिवाइडेड बाय 3/2 होल पावर 1/2 मेरे जो मतलब अलग अलग पावर दे सकूंगा 3 जो मतलब 1/2 अलग अचियो डिवाइडेड बाय 2 जो मतलब 1/2 अलग अचियो ठीक एंड सो हिट ए पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 3/2 एन ए पावर 1/2 जो अपन को चाहे को दबाना है मल्टीप्लाई देखो ते मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर सा को मल्टीप्लाई ते न्यूमरेटर न्यूमरेटर सा को मल्टीप्लाई मान ए एक दो को लिखी करे इन जा पावर पार में प्लस का बाबा 1/2 में प्लस करा से 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2 जो माता पावर 3/2 सेम है क्लियर है ये स्टेप सही है फ्रैक्शन में चला है कि सिंपलीफाई अच्छा आया तने सामने एग्री है सही है एंड सो मजीद की सिंपलीफाई थे तो इनसाइड आ साफ कह दो सो जिकस टू न्यूमरेटर में ए सेम आए डिवाइडेड बाय 3/1/2 3/1/2 माने 3 से बताया स्क्वायर रूट ठीक भाई क्रम मंडल थन का इनटू ए जीओ ए ए जो बता नंबर जगह प्लस तक का भाई फ्रैक्शन का एंड प्लस तक का 1/2 प्लस 3/2 ठीक है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 10 पे भाई फ्रैक्शन में आए तो छा कबो एलसीएम अचड़ी पंदी उन जे डिनोमिनेटर सी तो सो मेरी जो डिनोमिनेटर 2 10 जे डिनोमिनेटर भी 2 आए एलसीएम छाते दी 2 10 जे डिनोमिनेटर जे को नंबर आए सेम एज टू वही फाउंडेड एलसीएम थी है तो न्यूमरेटर वाला नंबर भाई मान में प्लस करना से 1 प्लस करना से 3 सा 1 प्लस 3 क्लियर है ठीक हरे अपान में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2/1/2 2/3/2 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सा कबो मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में जो को नंबर 2 एग्जैक्टली सेम आए बेस सेम है तो बेस एक दो को लिखी करे इन जा पावर बी प्लस कबो 1/2 प्लस कबो 3/2 में ठीक पावर प्लस क्या आई गॉट समझ में या हाने दिसुना छातो थे तो देखो a डिवाइडेड बाय 3 रेडी करने आए a जे मतलब पावर में 1 प्लस 3 तो 3 सा 1 प्लस 3 कबो 4 डिवाइडेड बाय 2 सेम आए ठीक होल अपान में और 2 जे मतलब सागे तरीके से फ्रैक्शन में बना बार प्लस थन का एलसीएम अच्छे बन एलसीएम में डिनोमिनेटर देखो n जे पावर में 2 3 जे पावर में 2 सागो है सेम आए तो माने एलसीएम भी पण डुबाई थे जो को कॉमन डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर में नहीं जो कॉमन आए तब वो न्यूमरेटर सिंपली पण में प्लस करना 1 प्लस करना 3 सा क्लियर है ठीक तो माने देखो a डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट में a की मतलब पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 के 2 जो डबल घना दफा लगे तो 2 टाइम लगे तो हयो डिवाइडेड बाय 2 जे मथा पावर में 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 2 अचियो ठीक हाने दिसो वरी छा पथे a डिवाइडेड बाय रेडी कर में 3 a जे मथा पावर 2 इज 2 जे मथा पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 द 4 के 2 जे डबल लगो 2 टाइम क्लियर है ये स्टेप सही है हाने दिसो वरी छेना पूछा लो f डैश 1 डिवाइडेड बाय 2 a सॉल्व थे पे इक्वल टू a साज जो नंबर डिवाइड में है वो 500 जो टर्म डिवाइड में है a साज को नंबर डिवाइड थे पे वो पार फ्रैक्शन में आए तो उनके फ्रैक्शन खत्म करना पार चाहना से रेसिप्रोकल करना से जी फ्रैक्शन जापान में फ्रैक्शन रिमूव थे तो रेसिप्रोकल करना से जो नंबर में दो मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 इनटू a स्क्वायर सही साइड का नंबर जस्ट रेसिप्रोकल दिवाए ठीक है हाने देखो सिंपलीफाई करिए तो a ये डिवाइड में स्क्वायर तक लो एक आंसर दे दो ठीक है
एंड डू 2 जो स्क्वायर 3 जो स्क्वायर मतलब 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 रेडी कर में इनटू a बच लो करो a स्क्वायर माने करो a कैंसिल तो करो a बच हुआ है सही है क्लियर है इसका फाइनली यही पॉइंट है जी सिंपलीफिकेशन मिली है गिवन क्वेश्चन जी सही है क्लियर थियो हाने ठीक पहले भी डेरिवेटिव अने खंपो डेरिवेटिव जगह कैलकुलेट फाइंड की आए अन डेरिवेटिव पॉइंट वेरिएबल 1/2 से रिप्लेस करे माने सामो सॉल्व कयो है सिंपलीफिकेशन का तो फाइनली आंसर मिलियो 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 इनटू a ठीक है स्टूडेंट्स सही है थोड़ा लेंथी जरूर आए सिंपल आए जस्ट बेसिक सिंपलीफिकेशन थी आए मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड में थोड़ा ख्याल जरूर रखना है जो मैथमेटिक्स में नंढड़ी गलती जे करे सजो प्रॉब्लम गलती सके तो त जे करे गौर सा समझनो है देन प्रैक्टिस कयो गौर सा हर स्ट्रम के हर स्टेप के समझी अगर किते कंफ्यूज ना हो वरी वीडियो तारे सामू लेक्चर है इनके वरी देसो किथे गलती थी है छो मुजी पे आता ठीक है प्रैक्टिस करो तो जरूर समझ लो बाकी प्रैक्टिस करनी आहे ठीक है स्टूडेंट्स तपो इन YouTube चैनल के सब्सक्राइब जरूर कयो शेयर कयो कमेंट कयो अनसा कदो कर बेल आइकन के जरूर प्रेस कयो त जी हर वीडियो जो तुम्हाके नोटिफिकेशन मिले एं त वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझी सको सीखी सको टाइम ते कवर कर सको सही है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़